फिर से। आज हम सेल्फ कुकिंग ले जा रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ है, उसके बीच में एक पहाड़ पे हम जाएंगे, सेल्फ कुकिंग करेंगे, खुद खाना बनाएंगे। आई वॉन्ट टू सी यू टू वॉच दिस वीडियो विद अस। आर यू रेडी? लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम सेल्फ कुकिंग के लिए जा रहे हैं, सेल्फ कुकिंग करेंगे, पहाड़ है उसके ऊपर जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो अभी हमने थोड़ा स्टे किया, रेस्ट किया, वो उतर आइए उस पर जाने बंद जाते हुए बंदे तक जाता है। तो अभी हम ऊपर जाएंगे और इनाम आ रहा है, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स रहता था तो उठा के आ रहा है। ये नीचे इनाम आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स उसके हाथ में है और थका हुआ आ रहा है। अभी हम रास्ते के बीच में थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए रुक गया, रिफ्रेशमेंट करके फिर आगे निकलेंगे, बहुत सारा रास्ता बाकी है। सो कैरी ऑन विद अस। खाएं पियेंगे फिर आगे का जो रास्ता है बहुत ज़्यादा है, और बारिश का अगर आप देखें तो बारिश का भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बारिश भी आने लगा। तो अल्लाह रहम करे हम पर, बारिश अगर आए तो हमारा सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, हमारा जो खाने पकाने का प्रोग्राम है उसमें भी तखिर हो सकती है। हम जा ही रहे थे कि रास्ते में हमें एक ऐसा शख्स मिला जो यहाँ का इलाकाई जुबान में उसको शौनके कहा जाता है, जो बैल बकरी चराने का काम करते हैं। सो चलिए भाई, आपको भी उससे मिलवाते हैं, देखिए। अभी इस वक्त जो पहाड़ में हमारे साथ मौजूद है ये मामू, जो बैल बकरिया का मालिक है, बैल बकरी चराते हैं इस पहाड़ में, तो इससे बात करेंगे किस तरह ये बैल बकरियों को हैंडल कर लेते हैं, ये सीटी बजा के सारे बैल बकरियों को जो अपने तरफ मायल कर लेते हैं, तो ये हमसे बात करेंगे। मामू कैसे, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको दुआ है, बिल्कुल जबरदस्त। हम आपसे ये पूछेंगे जिस तरह का आपका बैल बकरी चराते हैं, तो आप एक सीटी मार के जो है सारा बकरी आपकी तरफ मायल हो जाती है, तो ये क्या मतलब, किस तरह गाइड किया, किस तरह ट्रेनिंग बकरियों को दिया बैल बकरियों? इस तरीके से किस तरह ये आपकी तरफ माइल हो जाती है? जब आप सीटी बजाते हैं तो ये डायरेक्ट आपकी तरफ आ जाती है, या जिस साइड से आप मना करते हैं तो उस साइड से मना हो जाती है? कलर आदमी का नजर आ जाए, बस जिस तरह ले कंट्रोल ठीक है ना। अच्छा, कितना बकरी बेल बकरी है अभी इस वक्त आपके साथ? ये टोटल भेड़ बकरी टोटल 150 खोश है। 150 अभी इस वक्त जो आप पहाड़ में लेके आए? गासे डाई माई मारा कने ईडी की गिने दी एट द सेड़ो दाड़ी की या दका वो देव बहुत आराम को जद अब दे लेकर जमा लाड़े बारम बंदे फकर। ठीक है, थैंक यू सो मच। कितनी अच्छी तरह वो गाइड कर रहे हैं, वहाँ से सीटी बजा के जा जा के दौड़ लगा के सारे चारों तरफ से जो उसको एक बंदा 150 भेड़ बकरियों को एक बंदा हैंडल कर रहे हैं, तो अगर हम सोचते भी समझने वाला बात है कि कितना मुश्किल है हमारा, अगर इंसान क्यों ना हो हमारे ऑर्डर के नीचे 10-15 बंदे काम कर रहे हो, तो हमें उसको हैंडल करना, उसको गाइड करना कितना मुश्किल होता है। मैं कह रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त ट्रेनर है ये, 150 भेड़ बकरिया और एक बंदा उसको हैंडल कर रहे हैं, सारे पहाड़ों में ऊपर लेके जा रहे हैं फिर नीचे लेके आ रहे हैं। सर ये जब सीटी मारते हैं तो इसका सारे भेड़ बकरे एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त, नाइस। बहुत मुशक्कत के बाद हम पहुँचते हैं टॉप पे जहाँ हमारा टारगेट था। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं आपको मैप समझाना चाहूँगा कि आखिर हम कौन से इलाके में। अभी हम बिल्कुल टॉप पे पहुँच गया, यहाँ अगर आप देखें तो दरख्त ही दरख्त, एक जंगल जैसा माहौल है, और इसके मैं कुछ मुनाजरात आपको दिखाऊँगा। इस साइड पे अगर आपको दूर दूर कोई घर नजर आएंगे, कभी खेल दर है इस साइड पर, कभी खेल दर है ऊपर जो बॉर्डर है उसके अगले साइड पर जो है नियाग दरा, यहाँ दरों के हिसाब से जो है नाम मशहूर है नियाग दरा। इस सामने पहाड़ के उस साइड पे सामने जो घर आ रहा है नज़र आ रहा है जोगा के दिखेल दरा जोगा, ये इलाके हैं। इस साइड पे मैं दूसरे साइड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस साइड वाला जो इलाका है शरीफाबाद, ये सारा नज़र आ रहा है। इस साइड पे सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है इसको गढ़े बोलते हैं, वो यहाँ का इस इलाके का सबसे टॉप पे जो पहाड़ है गढ़ाई, ये वही पहाड़ है। अच्छा, इसके साथ साथ इस साइड पे दूसरा गंदेगार ब्योर और मेन दरोड़ा बाज़ार का जो एरिया है वो भी नज़र आ रहा है, तो बहुत एक ज़बरदस्त माहौल है और एक जंगल जैसा माहौल है। अभी हम इसमें खाना पकाएंगे, फिर खाएंगे, फिर गपशप भी लगाएंगे, कुछ फोटोग्राफी करेंगे। हमने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ सबसे अमेजिंग बात यह है कि हमें न सिलेंडर का ज़रूरत है न छोले का ज़रूरत है। सो इट्स आल्सो द नेचुरल ब्यूटी ऑफ माउंटेन। लोग खाना बनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, ये टाइम लेते हैं। टाइम कितना टाइम लेगा?
खाना बन रहा है और बारिश भी आने वाला है, सर्दी सर्दी बहुत है। जो डिश हम बनाने वाले हैं इसका तो मुझे खुद आइडिया नहीं है, लेकिन इनाम कह रहे हैं कि आज एक नया चीज़, एक नया डिश खिलाऊंगा। इनाम ये बताइए, ये डिश जो आप बन रहे अभी, इस डिश के हवाले से बताइए किस तरह का डिश बन रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त है ना, ये आप देखेंगे जब पकाएंगे और आप देखेंगे इसका जाएगा, और आपने भी बहुत खा लिए है ना। जी जी, और डिशेज आपने खाए हैं, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि एक अलग टाइप का डिश मैं खिला रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि ना गई है और ना इसमें जो है ना टमाटर है, टमाटर भी नहीं है इसमें, नहीं इसमें बिल्कुल। ये ऐसा डिश बना रहा है कि इसमें ना घी है, ना टमाटर है, ना प्याज है, और क्या है फिर इसमें? इसमें जो मैंने जो ये बर्तन किया है ना, इसके नीचे जो है ना दो तीन फूड़ी नमक है, दो तीन फूड़ी नमक है मैंने डाल दिया है। अच्छा, इसके बाद मैंने ये जो मुर्गी है ना, मुर्गी चिकन जो है ना, ये अखबार में पिक किया है ना तकरीबन दो तीन तहों के अखबार में, मसाला और नमक। अच्छा, मसाला और नमक इसमें लगाया और अखबार में पैक किया चिकन जो है। वाह यार, इनाम भाई का क्या रेसिपी है, देखते भाई हो जाएगा। इस सर्दी में आग जलाना भी बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। मजा नहीं आ रहा यार, बहुत टाइम के बाद जो है ये पकेगा, देखते हैं। इनाम भाई कह रहे डिश तैयार हो गया, लेकिन ये तो अखबार ही अखबार नजर आ रहा है। ओ यार, कुछ नजर आने लगा, देख। भूख भी बहुत ज्यादा लगी है, डिश भी रेडी हो गया, लेकिन बारिश आ गई, अब क्या करे भाई, सर्दी बारिश, अल्लाह माफ करे। बहुत मजा आया खाना खाने, इनाम भाई ने जो डिश बनाया बेहतरीन, फर्स्ट टाइम ऐसा मजा आया, तो भूख लगी थी इस वजह से जो है इतना मजा आया, लेकिन डिश बहुत जबरदस्त बना हुआ था। अभी बारिश भी हो रहा है, आग भी जल रहा है और सर्दी भी हो रही है, बारिश तो रोकने का नेम ही नहीं ले रहे, लेकिन हम वापसी का नियत कर लेते हैं। बारिश की वजह से हम आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, अभी एक दरख्त बड़ा रास्ते में आया तो हम इसके नीचे बैठ गए थोड़ा बारिश से बचने के लिए और खुद को भी रिफ्रेश करने के लिए। अभी मौसम साफ हो रहा है, बारिश भी हल्की हल्की है, लेकिन बादल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ हर साइड जो है आपको पहले से ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, हरा फूल लगेगा, ग्रीन फूल, हरियाली हरियाली है। तो हर साइड बंदा कह रहे हैं कौन से साइड को कैमरे में रिकॉर्ड करो, कौन से साइड को आपको दिखाऊँ, तो इट्स अमेजिंग। अभी हम इस रास्ते में जा रहे हैं, पहुँच जाएंगे, थकावट हो रही है, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, ठीक है। Hi guys, it's our small project. So see you next time in next video. Still, if you didn't subscribe our channel, so please subscribe our channel. Tata for now.